नमस्कार प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एम डी टू रीडर पब्लिकेशन तो फ्रेंड्स हरियाणा जी के क्विज़ नंबर टू आज के इस वीडियो में करेंगे ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं अपकमिंग एग्जाम को लेकर हमारी टीम ने क्विज जो स्टार्ट किए हुए हैं पहले क्विज़ की वीडियो का जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऊपर आई सेक्शन में मिल जाएगा और इसको लेकर अलग से प्ले भी टीम ने क्रिएट कर दी है तो आज के इस जो मॉक टेस्ट है हमारा या जी क्विज है स्पेशल हरियाणा जी पहला प्रश्न है पटोदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है ऑप्शन ए कपिल देव ऑप्शन बी नवाब मसूर अली ऑप्शन सी वीरेंद्र सहवाग और ऑप्शन डी हमारा अजय रात्रा तो साथियों इसका जो तो सही आंसर है वो है नवाब मसूर अली पटौदी तो अगर मैं बात करूँ नवाब मसूर अली पटौदी के बारे में आपको कुछ एक पॉइंट और बता देता हूँ जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं देखिए इनको जो है टाइगर के नाम से भी जाना जाता था और इनका जो जन्म है वो उन्नीस सौ ईस्वी में हुआ और बीस साल की उम्र में इन्होंने क्या किया ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बना दिए गए 20 साल की उम्र में इकसठ ईस्वी में ये भारतीय टीम के कप्तान बन गए थे और जो नवाब मसूर अली खान पटौदी थे इनके पिता भी एक बेहतरीन बल्लेबाज थे उन्होंने क्या है पहले तो इंग्लैंड टीम का प्रतिनिधित्व किया इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया उसके बाद भारत का भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था देखिए साथियों पिछली वीडियो में आपके भी कुछ कमेंट आए थे मैंने रिव्यू किया था उनको देखा था आप कह रहे थे कि सर ना क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ाइए देखिए अभी एग्जाम एक, एक तरीके से जिला जो हमारे जिला उपायुक्त है उनको जो है एग्ज़ाम के लिए लेटर भेजा एग्ज़ाम स्टार्ट होने में अभी एक डेढ़ दो महीना है तब तक हम अपना लेवल अच्छा सा क्रिएट कर लेंगे अब क्या है ईजी लेवल करेंगे फिर मॉडरेट करेंगे फिर हार्ड पे भी जाएंगे बस आप जो है वीडियो देखते रहिए ईजी भी करना ज़रूरी है क्योंकि ऐसा होता है कई बार हम हार्ड के चक्कर में ईजी गलत कर बैठते हैं तो अगला क्वेश्चन है हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की तो हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना हमारा जो मैं इसको लेकर पहले भी ट्रिक आपको बता चुका हूँ कि विकास करके क्या है विकास करके बंसी बजाई तो हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना ऑप्शन है इसका सही आंसर है बंसीलाल ने की थी और बंसीलाल का जो जन्म है वो 26 अगस्त 1927 ईस्वी को गांव गोलागढ़ जिला बीवानी में हुआ था ठीक है इसको लेकर एक चीज और मैं बता देता हूँ ये हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना उन्नीस सौ इक्यानवे ईस्वी के अंदर हुई थी ये प्रश्न शायद मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है वो भी देख लेते हैं गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ तो गोहाना के अंदर जो किले का निर्माण था ऑप्शन ए हेमचंद्र ऑप्शन बी अकबर ऑप्शन सी हर्षवर्धन ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज चौहान तो पृथ्वीराज चौहान ने जो गोहाना के अंदर किले का निर्माण करवाया था अठारह ईस्वी में इस स्थान पर राजपूत सरदार तेज सिंह और गांव बुराना के एक व्यापारी फिरन मेल को से जो है बलपूर्वक मुसलमान बना दिया गया था अगर मैं बात करूँ गोहाना के पुराने नाम के नाम को लेकर इसको गौ मावना के नाम से भी जाना जाता है और इस किले को जो है जो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था इसको ग्यारह सौ बानवे ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने नष्ट कर दिया था ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है अगला प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतक का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था पहला क्वेश्चन था पंडित जसराज किस विधा से संबंध रखते थे वो हमारे शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते थे इसमें पूछ रहे उनका जन्म कहाँ पर हुआ ऑप्शन ए हिसार ऑप्शन बी थोड़ा ऑप्शन सी काशी ऑप्शन डी वृंदावन तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि उनका जो जन्म है वो हिसार के अंदर हुआ था और ये इनका जन्म हुआ कब बीस जनवरी उन्नीस ईस्वी को इनका जन्म पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतक का जन्म हुआ था ठीक है उसके बाद अगर मैं इनके और आपको डिटेल में इनको बताऊं तो इनको क्या है स्वामी हरिदास संगीत रत्न भी इनको जो हरियाणा सरकार के द्वारा दिया गया था ठीक है इनको इसके अलावा संगीत मारतंड और भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पद्म विभूषण संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है ऑप्शन ए जयदेव ऑप्शन बी बाण ऑप्शन सी माधवाचार्य ऑप्शन डी हर्षवर्धन या हर्ष तो देखिए जो रत्नावली है वो कुमारी हर्ष की जो है प्रसिद्ध रचना है याद रखेंगे रत्नावली हर्ष की प्रसिद्ध रचना है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सर छोटू ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की सर छोटू ने कानून की जो परीक्षा जो शिक्षा है वो आगरा से प्राप्त की थी अगर मैं इनके जन्म की बात करूँ तो छोटू का जन्म चौबीस नवम्बर अठारह ईस्वी के अंदर हुआ था कहाँ पर हुआ था रोहतक के एक छोटा सा गांव है कस्बा है वहां पर इनका जन्म हुआ था ठीक है रोहतक के अंदर इनका जन्म हुआ था क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है आगे बढ़ते हैं इनका जन्म मैंने आपको बताया चौबीस नवंबर अठारह सौ इक्यासी ईस्वी में रोहतक के गढ़ी सापला में हुआ था ठीक है और इन्होंने जो कानून की शिक्षा प्राप्त की थी वो आगरा से की थी और वो 1910 सौ ईस्वी में की थी ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में कहां पर स्थित है तो शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में थानेसर पर स्थित है कहां पर स्थित है थानेसर ये कुरुक्षेत्र के अंदर है और यहाँ पर शेख चिल्ली का मकबरा स्थित है ठीक है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने किस तिथि को पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की तो इसका जो सही आंसर है वो है उनतीस जुलाई 2016 29 जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की और इसकी शुरुआत उस समय के तत्कालीन कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने की थी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न है पश्चिम यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है तो पश्चिम जो निकाला गया है वो ऑप्शन नंबर सी है हमारा अथिनिकुण बैराज ये यमुना नगर में है यहां से इसको निकाला गया है ठीक है और पश्चिम यमुना नहर की जो लंबाई है वो बत्तीस सौ छब्बीस ये देखिए ये माफ़ कीजिए तो गलत हो गया छब्ब बत्तीस सौ छब्बीस सौ ज़्यादा है तो इसकी लंबाई के लिए आपको क्या करना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर बताना है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हरियाणा का सबसे पहला या पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थापित है ऑप्शन ए हिसार ऑप्शन बी मधुबन ऑप्शन सी सोनीपत ऑप्शन डी कुंजपुरा तो, तो हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल ऑप्शन डी कुंजपुरा के अंदर स्थित है तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं इससे पहले मैं बता दूं जो हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल है यह हरियाणा का पहला था और भारत का दूसरा सैनिक स्कूल था और इसकी स्थापना तीन जुलाई उन्नीस ईस्वी में हुई थी अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते अगला प्रश्न है हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ सरोवर कौन सा है ऑप्शन ए ब्रह्म सरोवर ऑप्शन बी फलगु ऑप्शन सी कपालमोसन ऑप्शन डी सन्हित सरोवर तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म सरोवर ये भी हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है इसका जो जिक्र है वो किताबुल हिंद में है ठीक है और ये जो हमारा कुरुक्षेत्र के थानेसर रेलवे स्टेशन के पास है और इसका जो इसको जो खुदवाया था वो राजा गुरु ने जो इसको खुदवाया था ठीक है हरियाणा में नहाने का सबसे बड़ा तालाब है पक्का बना हुआ है ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर ये स्थित है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने अठारह सौ सत्तावन के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था तो वो कौन थे हमारे राजा नाहर सिंह थे कहाँ से ही संबंध ये रखते हैं बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम भी बल्लभगढ़ के अंदर है लेकिन नाहर सिंह वन्यजी को बहारण आ जाए तो वो रेवाड़ी के अंदर स्थित है इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे हरियाणा का सबसे बड़ा पशुधन फार्म इस नगर के अंदर स्थित है करनाल पानीपत सोनीपत हिसार तो इसका सही रहेगा रहेगा वो हिसार रहे तो हरियाणा का या सबसे बड़ा पशुधन जो है है हिसार के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं इसी बीच अगला प्रश्न है हमारा हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया ऑप्शन ए सूरजकुंड ऑप्शन बी सोनाकुंड ऑप्शन सी शाहजा की बावड़ी तोमर राजा द्वारा क्या बनवाया गया जी तोमर राजा द्वारा हमारा ऑप्शन है यानी कि सूरज कुंड का निर्माण वो तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने करवाया था ये भी कई बार पूछ लिया जाता है अगर पूछ लिया जाए तोमर राजाओं के द्वारा सूरज कुंड और किसके द्वारा वो राजा सूरजपाल ठीक है सूरजपाल के द्वारा करवाया गया था अगला प्रश्न है हरियाणा सरकार किस जिले में पांच बिलियन हरियाणा सरकार किस जिले में पाँच बिलियन डॉलर के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए रेवाड़ी ऑप्शन बी गुरुग्राम ऑप्शन सी हिसार ऑप्शन डी सिरसा तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है गुरुग्राम अगला प्रश्न है पानीपत के बाहुली या बाहुली गाँव में कौन सा कारखाना आप सभी जानते तेल सौदा कारखाना है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑप्शन डी इसका सही आंसर है आई ये इसका सही आंसर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं रावली का गोल्फ मैदान हरियाणा हरियाणा के किस जिले में है तो अरावली का जो गोल्फ मैदान है वो हमारा इसका जो सही आंसर है वो फरीदाबाद है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई सोनीपत पानीपत पेहुआ अग्रोवा तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सोनीपत क्या रहेगा जी सोनीपत जो हर्षवर्धन कालीन हमारी मुद्राएँ हैं वो सोनीपत से प्राप्त हुई हैं सोनीपत का पुराना नाम हमारा क्या है सोनप्रस्थ है अगर ही इसी प्रकार से ये पूछ लिया जाए कालीन सोने के या तांबे के सिक्के कहाँ से मिले वो मीथाथल पिवानी से मिले ठीक है इंडो ग्रीक सिक्के पूछ लिए जाए वो खोखरा रोहतक से मिले थे हमारे इन चीज़ों का ध्यान रखें ठीक है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे ऑप्शन ए देवीलाल ऑप्शन बी बंसीलाल ऑप्शन सी राव वीरेंद्र सिंह ऑप्शन डी भगवत दयाल तो इसका जो सही आंसर है वो राव वीरेंद्र सिंह है ये हमारे कांग्रेस के पहले या हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे और हरियाणा के ये दूसरे जो है मुख्यमंत्री रहे थे ठीक है और पार्टी किस पार्टी से बने थे विशाल हरियाणा पार्टी से इनका चयन हुआ था ठीक है और ये इनका जो जन्म है वो नांगल रेवाड़ी के ये रहने वाले थे वहाँ पर इनका जन्म हुआ था अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है कृषि से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो उसका जो सही आंसर रहेगा वो हिसार रहेगा इस विश्वविद्यालय की स्थापना उन्नीस ईस्वी में हुई थी और ये हिसार में हुई थी कब हुई थी उन्नीस ईस्वी में यह एशिया के बड़े विश्वविद्यालयों में से एक और इसका नाम देश के सातवें प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया था जो चौधरी चरण सिंह थे ठीक है यमुना नदी के साथ निम्न में से हरियाणा के किस जिले की सीमा नहीं लगती तो रोहतक जो है यमुना नदी को टच नहीं करता इसके अलावा सोनीपत पानीपत करनाल टच करते हैं तो इसका सही आंसर रोहतक रहेगा रोहतक और चरखी दादी दो ऐसे ज़िले हैं जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के समय में हरियाणा में आया था तो चीनी यात्री हेनसांग जो है वो तो हर्षवर्धन के काल में हरियाणा में आया था किसके काल में आया था जी वो हर्षवर्धन के काल में हरियाणा में आया था ठीक है और ये छह सौ उनतीस ईस्वी में आया था और 635 सौ पैंतीस से छ सौ ईस्वी तक हिन्सांग थानेसर में ही रहा था ठीक है सिरसा की मंजियानिया परियोजना सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन से संबंधित है तो सिरसा की जो मंजियाना परियोजना बागवानी से संबंधित रखती है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन बन जाता है इसी प्रकार अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊं करीब करीब ये अस्सी एकड़ में बनी हुई है और नौ दशमलव सात जीरो करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं ऐतिहासिक नगर रानिया रानिया किस जिले में स्थित है ऐतिहासिक नगर रानिया सिरसा जिले में स्थित है तो जो ए है इसका सही आंसर रहेगा और रानिया जो कस्बा है इसको राय बीरू ने बसाया था और इसका प्राचीन नाम राज, राजबपुर है किसने राय बीरू ने सिरसा को बसाया था और इसका प्राचीन नाम हमारा क्या है जी राजबपुर है अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हरियाणा में कुल कितने जिले हैं और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कुल बाईस जिले हैं अंतिम कौन सा जिला बना हमारा अंतिम चरखी दादरी बना है आप सभी जानते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स ये कैसा आपको क्विज लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें रोज़ आपको कम से कम एक क्विज तो हमारी टीम कराएगी और ये जो भी क्विज रहते हैं तीस क्वेश्चन पैंतीस क्वेश्चन पच्चीस क्वेश्चन इनके साथ दो दो तीन तीन क्वेश्चन कराते हैं कम से कम समय में कराने का हमारा प्रयास रहता है आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही धन्यवाद